जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सफलता में बाहरी जिला पुलिस के विशेष कर्मचारियों ने एक कुख्यात गांजा आपूर्तिकर्ता को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और एक लक्षित अभियान में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। कुख्यात गांजा सप्लायर गिरफ्तार हुआ। बाहरी जिले की कार्रवाई में 69.470 किलो गांजा जब्त किया गया है। इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में और एसीपी ऑपरेशंस की देखरेख में ऑपरेशन थाना रणहौला के अधिकार क्षेत्र में हुआ। 4 जून 2023 को प्राप्त गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसआई संदीप कुमार, एएसआई सुनील कुमार, एचसी अनिल, एचसी ओमबीर, एचसी पवन, एचसी अनिल कुमार, सिटी आर्यदीप और सिटी सहित एक समर्पित टीम मंजीत ने तेजी से मकान नंबर 527-528 कोटला विहार फेस 2 रणहौला दिल्ली के पास छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने एक मुख्य संदिग्ध को पकड़ा, जिसकी पहचान 37 वर्षीय श्याम बाबू महतो के रूप में हुई, जो गांव चांदपुरा थाना राघोपुर जिला वैशाली बिहार का निवासी है। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर टीम एच नंबर 14 ग्राम तिलंगपुर कोटला रणहौला दिल्ली में गई, जहाँ उन्होंने उसके कमरे में छिपा कर रखे गए 69.470 किलोग्राम गांजे की खोज की। श्याम बाबू महतो ने निरंतर पूछताछ पर बिहार से अवैध पदार्थ खरीदने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में इसे वितरित करने की बात कबूल की। आरोपी ने रणहौला इलाके में 2 कमरे किराए पर लिए थे, एक अपने रहने के लिए और दूसरा अवैध ड्रग्स रखने के लिए। स्पेशल स्टाफ के मेहनती प्रयासों के कारण थाना रणहौला में NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्याम बाबू महतो को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। यह सफल ऑपरेशन संगठित अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है और मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश देता है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की बरामदगी निस्संदेह क्षेत्र में चल रहे अवैध ड्रग नेटवर्क को बाधित करेगी और जिले की समग्र सुरक्षा और संरक्षा में योगदान देगी। मामले की जांच जारी है, क्योंकि पुलिस अधिक जानकारी इकट्ठा करने और इस आपराधिक नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों को पकड़ने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। DCP हरेंद्र सिंह IPS के नेतृत्व में बाहरी जिला पुलिस विशेष स्टाफ की कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके अथक समर्पण और उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना करती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।